दोस्तों, जब एस थमन के म्यूजिक के साथ गाड़ी से उतरते हुए महेश बाबू चलते हुए हमें नजर आएंगे, तब थिएटर्स में सीटियां भी बजेंगी और तालियां भी बजेंगी। और देखिएगा, पूरी दुनिया, पूरा इंडिया इस बात पे नाचेगा। तो देखिए, जिस चीज़ का आप सभी को इंतज़ार था, हमारे प्रिंस स्टार महेश बाबू, उनकी अपकमिंग फिल्म की रिलीजिंग डेट आ चुकी है। सरकारों वाली पट्टा कि अब रिलीजिंग डेट आ चुकी है, जो है 13 जनवरी 2022। एक प्यारे से पोस्टर के साथ इस डेट को रिवील किया गया है। परशुराम सर इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे, महेश बाबू, और फीमेल लीड में इस मूवी में रहने वाली कीर्ति सुरेश। तो देखिए, काफ़ी क्यूट कॉम्बिनेशन है फिल्म में। फिल्म में एंटरटेनमेंट होगा, एक्शन होगा, मॉरल बेस्ड मैसेज ज़रूर होगा, क्योंकि महेश बाबू की मूवी है। तो इतना आप लिख के ले लीजिए कि यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा सोशल कंटेंट के ऊपर फिल्म देखने को मिलेगी। 13 जनवरी, दिमाग में नोट कर लीजिए डेट, 13 जनवरी 2022। इस दिन, मकर संक्रांति वाले दिन ही इस मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही डिसीजन है। महेश बाबू जैसे रॉकस्टार की फिल्म को थिएटर में नहीं लगाया, ओटीटी पे लगा के अगर रिलीज करेंगे, तो फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर, फिल्म फिल्म के एक्शन सीन्स और इमोशनल सीन्स का मजा कैसे आ सकता है। तो दोस्तों, एस थमन के वो बैकग्राउंड स्कोर, उस गाने को सुनने के लिए, महेश बाबू की उसी समय एक्टिंग देखने के लिए, अगर आप इनके बहुत ही बड़े फैन हैं, तो 13 जनवरी 2022, ये जो दिन है, शायद आपके लिए आपकी जिंदगी का वन ऑफ द बेस्ट डेज में से एक होने वाला है। क्योंकि महेश बाबू की सरकारू वरी पट्टा अब रिलीज होने वाली है। इससे पहले मैंने उनकी लास्ट फिल्म जो देखी थी, तो वो थी सैल्लेरु निकेवरु। उसका मैंने रिव्यू भी दिया था, मैंने तब नया नया चैनल स्टार्ट किया था। और आप मानोगे नहीं, रश्मिका मंदाना की वो क्यूटनेस उस फिल्म में, प्लस महेश बाबू की एक्टिंग और एंटरटेनमेंट वाली वो जो कॉमिक टाइमिंग उस मूवी में थी, वो एक अलग ही लेवल की थी। प्रकाश राज का कॉमेडी प्लस विलन का रोल बहुत ही अच्छा था, प्लस सोशल मैसेज की तो बात ही अलग थी इस मूवी में। क्या फिल्म वो बनाई थी! वो डिसिप्लिन के ऊपर जो कॉन्सेप्ट इन्होंने सैलेरु निकेवरु में रखा था, भाई गजब। अब देखना ये सरकारू वारी पट्टा में किस तरीके की एक्टिंग स्किल्स हमें महेश बाबू की देखने को मिलती है, क्या कॉमेडी देखने को मिलती है, कितने एक्टर्स का, कितने सपोर्टिंग एक्टर्स का रोल देखने को मिलता है, परशुराम सर का डायरेक्शन किस तरीके का होगा, देखना बनता है। तो डेट मैं फिर कह रहा हूँ, याद रखना, 13 जनवरी 2022, मकर संक्रांति वाले दिन, सरकार वाली पट्टा का रिलीज डेट है ये। एक पोस्टर का तो मैं रिव्यू देना भूल गया आपको यार। दोस्तों, गाड़ी से उतरते हुए, लाल गाड़ी है, उससे उतरते हुए पैर नीचे रखा है, पीछे से बाइकर्स आ रहे हैं, वहां पे बैकग्राउंड में दिखाया है महेश बाबू का चेहरा, उनका लुक, भाई अमेजिंग, मजे आ गए वो लुक देख के। गूज बम्स, लिटरली गूज बम्स, इतना कह सकता हूँ। आपका क्या टेक है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप क्या सोच रहे हैं महेश बाबू की एक्टिंग के बारे में? क्या आपने सरकारू वारी पट्टा के अलावा जो वो फिल्म थी सैलेरु निकेवरु, वो आपने देखी है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप क्या सोच रहे हैं सब बताइएगा। ऐसे ही रिव्यूज आने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरे वीडियोस को लाइक करना, मेरे वीडियोस को शेयर करना मत भूलना।